आईफोन 14 और आईफोन 14 प्लस की बात करेंगे। डिजाइन की बात करेंगे तो एलियन की दो टेढ़ी आंख लगा के इस फोन में चिपका दी है। इस फोन की बात करें तो इन्होंने इस फोन में से नॉच को भी नहीं हटाया। नॉच मतलब ये स्क्रीन पे आप जो देख रहे हो इसको नॉच बोलते हैं। इसमें कुछ भी नया नहीं है गाइस, नया है तो इसका नाम आईफोन 14। अब सबसे मेन जरूरी चीज प्रोसेसर, जो आईफोन 13 में मिलता था वही प्रोसेसर इस फोन में मिलता है। दोस्तों इन्होंने एक चीज जरूर चेंज की है, वो है इस फोन का नाम आईफोन 13 से आईफोन 14 रख दिया बस। आईफोन 14 प्लस की बात करेंगे। अब इसमें डिजाइन की बात करें तो सेम टू सेम आईफोन 14 के डिजाइन, लेकिन एक चेंज है इसमें। ना नाम का चेंज नहीं है दोस्तों, इसमें चेंज है साइज का। ये साइज इसकी बड़ी, साइज बड़ी होने का फायदा ये है कि इसमें बैटरी ज्यादा देखने को मिलती है और स्क्रीन क्वालिटी आप स्क्रीन पे देख। प्रोसेसर वही ए बायोनिक 15 चिप जो पुराने वाले फोन में था आईफोन 14 में, मैंने बोला था ना आईफोन 13 में सेम प्रोसेसर था। इन्होंने प्रोसेसर चेंज नहीं करा है दोस्तों, प्रोसेसर पूरा सेम नहीं, इन्होंने बोला कि एक कोर ज्यादा किया। लेकिन आईफोन 14 से आईफोन 14 प्लस बेटर, इसकी साइज बड़ी है जिससे बैटरी और स्क्रीन का फायदा होता है। क्योंकि आप प्रो और प्रो मैक्स में जाओगे तो उसकी प्राइस बहुत ज्यादा हाई है और ये उससे सस्ते में आता है। कह सकता हूँ कि आईफोन 14 प्लस वैल्यू फॉर मनी है और आईफोन 14 बाय मत करना क्योंकि उसमें कुछ भी नया नहीं है गाइस। नया है तो उसका नाम आईफोन 14 जो मैंने आपको वीडियो में बता दिया। सॉरी गलती हो गई। और ऐसे ही अमेजिंग टेक वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।